समय हमारे बीच में पूर्व सांसद डॉक्टर चिंतामणि जी मालवी मौजूद हैं। हम आपका भारत टाइम्स न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है सांसद जी। हम आपसे चर्चा करेंगे रोको टोको अभियान के तहत आपका क्या संदेश है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश से आह्वान किया है कि न केवल मास्क स्वयं लगाएं बल्कि लोगों को भी प्रेरित करें, लोगों को भी टोकें कि मास्क लगाएं, क्योंकि ऐसा मास्क ही अभी हमें रोक सकता है। वैसे वैक्सीन आ गई है लेकिन पहली सुरक्षा मास्क है, और इसलिए रोको टोको अभियान की सफलता में प्रदेशवासियों को लगना है। सब यदि एक दूसरे को कहेंगे कि मास्क लगाएं तो निश्चित रूप से इस कोरोना की दूसरी वेव को रोका जा सकेगा। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है कि वैक्सीन लगाएं, तो वैक्सीन के लिए सभी लोगों को प्रेरित होना चाहिए और जल्दी से जल्दी जैसे ही नंबर आता है अपनी वैक्सीन लगवाना चाहिए ताकि पूरा देश एकजुट होकर के इस पूरी बीमारी से हम जीत सकें। सांसद जी बताइए कि अभी केंद्रीय मंत्रालय से बहुत ही बड़ा फैसला आया हुआ है कि कोई भी राज्य लॉकडाउन नहीं करेंगे, इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? देखिए माननीय प्रधानमंत्री बहुत दूरदृष्टा है, और पिछले कोरोना से जिस तरह देश निपटा और कम से कम कैजुअलिटी देश में हुई, इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद, इतनी सघन आबादी होने के बावजूद, तो उसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जाता है। और उन्होंने बहुत अच्छे फैसले इस देश के लिए लिए हैं। उन्होंने यदि ये कहा है कि अब लॉकडाउन नहीं होगा तो तमाम आयामों को देख करके ही लिया होगा, क्योंकि लॉकडाउन होने से गरीबों को बहुत परेशानी हुई है। तब तो खैर वैक्सीन भी नहीं था, बीमारी से लड़ने के लिए कौन सी दवा कारगर होगी ये भी नहीं मालूम था, इस नई बीमारी से किस तरह निपटा जाए ये भी नहीं मालूम था। तो इसलिए वो उचित था कि भाई अब लॉकडाउन रह करके हम इसका रिसर्च करें, हम देखें कि कैसे रोक सकते हैं। लेकिन अब चूंकि बहुत कुछ पता चल गया है, इसकी दवाई भी पता चल गई है, वैक्सीन भी आ गई है, इसलिए लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उससे बहुत परेशानी फिर से हो जाएगी। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो निर्णय है वो सभी प्रदेश मानेंगे ही, ये तो हमारे यहाँ की एक जो व्यवस्था है संवैधानिक, लेकिन अच्छा निर्णय है, स्वीकार्य होना चाहिए। सांसद जी बताइए, एक और दो दिन बाद होली का त्यौहार है, कोरोना जोर शोर से फैल रहा है, इस संदर्भ में आप क्या संदेश देंगे? मेरा तो यही कहना है कि होली भी घर पर मनाएं, जिंदा रहेंगे तो आगे की होलियां भी मनाएंगे। इसलिए सरकार के निर्देशानुसार और सरकार की अपेक्षा के अनुरूप होली घर पर ही मनाना चाहिए। वो परिस्थितियां विशेष हैं इसलिए त्यौहार भी विशेष होना चाहिए, अपने घरों पर होली मनाएं। धन्यवाद। सांसद जी, अगला प्रश्न मेरा यह है कि मास्टर प्लान को लेकर जनप्रतिनिधियों की मीटिंग समीक्षा बैठक रखी गई थी, कई जनप्रतिनिधियों को नहीं बुलाया, जिसमें पूर्व सभापति सोनू गहलोत द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई है, इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? प्रशासनिक विषय है और जो जिम्मेदार हैं उनको इस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं संगठन का आदमी हूं, इसलिए अभी मेरा विषय ये नहीं है। उज्जैन में आगर रोड जो हादसा का शिकार होता चले जाते हैं, हादसा का सड़क बोली जाती है, इस संदर्भ में आप क्या क्या डेवलप नहीं होना चाहिए उस सड़क को? केवल उज्जैन आगर का सवाल नहीं है, उज्जैन के चारों तरफ की सड़कें वो 4 लेन होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ सिमस्त भराता है और वो अभी होना चाहिए, उसके आगे की आवश्यकता नहीं है। उज्जैन के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की व्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगे? पुलिस अच्छा काम कर रही है और अभी ऐसा कोई नया आया नहीं है, जो भी केस हुए हैं उसको तुरंत पकड़ा भी है, गिरफ्तारी भी हुई है, इसलिए उज्जैन में कानून व्यवस्था भी संतोषजनक है। सांसद जी, एक और मामला सामने आ रहा है कि महापौर के चुनाव को लेकर आपकी तैयारी क्या है? नहीं, हमारा कोई विषय नहीं है, ये संगठन तय करता है या व्यक्ति तय नहीं करता है। के साथ में पूर्व सांसद चिंतामणि मालवी थे और इन्होंने विकास के ऊपर भी काफ़ी अच्छी बातें बताई है, और होली को लेकर भी उन्होंने संदेश दिया है कि घर पर रह कर ही सभी यहां पर होली खेलें, कोई भी बाहर ना आए, क्योंकि इस समय कोरोना वायरस से जंग जीतना है। इसके साथ में रोको टोको अभियान में राज्य सरकार के ऊपर भी उन्होंने बताया है कि राज्य सरकार ने जो भी निर्णय लिया है बहुत ही अच्छा लिया है, क्योंकि सभी को चेहरे पर मास्क पहनना, सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंस का पालन करना, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई है। भारत टाइम्स न्यूज़ के साथ में जगदीश परमार की रिपोर्ट, उज्जैन।